बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ न्यू सिलेबस प्राइमरी मैथमेटिक्स वर्कबुक 5A चैप्टर नंबर 2-4 ऑपरेशंस के आज हम रिव्यू क्वेश्चंस कुछ करने जा रहे हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पेज नंबर 42 पर क्वेश्चन नंबर 3 सेज बाला बॉट अ कैमरा फॉर $540 एंड अ प्रिंटर फॉर $235। दो चीज़ें खरीदी हैं, दोनों की प्राइस बता दी। He gave the cashier a $1,000 नोट। ऐसा ही होता है, हम कुछ चीजें खरीदते हैं और उसके बदले में हम कोई बड़ा नोट पकड़ा देते हैं। जैसे हमने 100 से कम की चीजें खरीदी, 100 का नोट पकड़ा दिया। 1,000 से कम की चीजें खरीदी लेकिन 1,000 का नोट पकड़ा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है हमेशा हमारे पास चेंज नहीं होता। तो उसने 1,000 रुपीज पकड़ा दिए, 1,000 की चीजें नहीं खरीदी, उससे कम की चीजें खरीदी हैं। तो सवाल ये है कि हाउ मच चेंज डिड ही गेट, तो बदले में उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, यानी कि टोटल उसकी प्राइस क्या बनी और 1,000 रुपीज देने के बाद उसको कितना चेंज वापस मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। डेली लाइफ का हमारा क्वेश्चन है, हम इस तरह के क्वेश्चंस के साथ रोजाना डील कर रहे होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप दोनों चीजों को ऐड करेंगे टोटल प्राइस पता चल जाएगी, 1,000 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बस। तो आपने यही सारी वर्किंग्स यहाँ पर शो कर देने, दोनों को ऐड कीजिए, हमारे पास $775 आ गए और इसने 1,000 में से जो है वो $775 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसको कितने पैसे वापस मिले होंगे, दैट इज 225। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना भी इसको आ गया होगा कि जीरो में से कोई नंबर कट नहीं हो सकता, हमेशा ऊपर हमारे पास बड़ा डिजिट होना चाहिए। तो हम पीछे चले जाएंगे और यहाँ 1 से कट करेंगे, ठीक है। इसको कैरी दिया, 10 बन गया, ये 9 हो जाएगा कट करके, इसने कैरी दिया ये भी 10 हो गया, इसने भी अपना कैरी आगे फॉरवर्ड किया तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 5, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 2, दैट इज $225, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ हाइकर बॉट अ रोप मेजरिंग 2040 सेंटीमीटर एंड कट इट इंटू 3 equal pieces। एक हाइकर है, उसने एक रोप लिया, ठीक है, जिसकी जो मेजरमेंट थी, लेंथ थी, वो इतनी थी। उसने इस रोप को 30 equal pieces के अंदर कट कर दिया। कितने इक्वल पीसेस में? 30 equal pieces में। ही यूज्ड 10 pieces ऑफ द रोप, जिसमें से उसने 30 pieces को यूज किया। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही हैड लेफ्ट, तो बाकी जो 20 pieces की लेंथ है वो हमें फाइंड आउट करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने क्या करना है, पहले एक पीस की जो है वो लेंथ निकालनी है। ये जो लेंथ निकली हुई है, ये टोटल जो आपके पास रोप है उसकी लेंथ निकली हुई है। तो अब ये देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करेंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया, अ रोप मेजरिंग 2040 सेंटीमीटर्स, ये टोटल इसकी जो है वो लेंथ है, ठीक है। ही यूज 10 pieces ऑफ द रोप, ठीक है, उसने क्या किया, उसने 10 pieces को यूज किया है। अब अगर 30 pieces जो है वो 240 सेंटीमीटर्स के लॉन्ग है, 2040 सेंटीमीटर्स, तो एक पीस की अगर हमें पता चल जाए तो हमें 20 pieces की पता लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। एक पीस की लगाना भी मुश्किल बात इसलिए नहीं है कि अगर हम टोटल को डिवाइड कर दें 30 से तो हमें एक पीस की पता चल जाएगी, और यहां पर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 0 0 के साथ कट हो गया, आपने डिवाइड करना है 204 को 3 से। जब हमने यहाँ पर डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 68। 3 6 are 18, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा, ऊपर से 4 उतारा 24, 3 8 are 24। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक पीस की लेंथ 68 सेंटीमीटर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब एक पीस की पता चल जाती है तो 20 पीसेस की पता करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। और हमने किया भी यहाँ पर यही कि हम ये 20 पीसेस को मल्टीप्लाई कर देंगे 68 से, तो हमें टोटल पता चल जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी ये बात आसान होती है कि हम इसको स्प्लिट कर देंगे, 20 को किस में स्प्लिट कर देंगे, 10 into 2, तो 68 into 10 क्या होता है हमारे पास, 680। और 680 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 68 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा 136। उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1360। तो ये जो लेंथ है ये उसके पास बची है, और ये है किसकी, ये 20 pieces की लेंथ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 43, इट सेज सीती एंड जीनी हैव द सेम नंबर ऑफ स्टिकर्स। दो बच्चे हैं, ठीक है, दोनों के पास बराबर बराबर स्टिकर्स हैं। आफ्टर सीती गेव अवे 55 stickers, उसमें से सीती ने अपने 55 stickers किसी को दे दिए, एंड जीनी थ्रो अवे 15 stickers, और जीनी ने अपने 15 stickers फेंक दिए, ठीक है। दोनों ने सर्टेन नंबर ऑफ अमाउंट के जो स्टिकर्स हैं वो निकाल दिए हैं।
जीनी हैड थ्री टाइम्स एज मैनी स्टिकर्स एज सीथी। जब इन्होंने फेंक दिए और निकाल दिए, इसके बाद जीनी के पास जो स्टिकर्स बचे हैं वो सीथी के पास जो स्टिकर्स हैं उसके ट्रिपल हैं, यानी थ्री टाइम्स ज्यादा हैं। ठीक है, सिंपल है। यानी अगर सीथी के पास एक स्टिकर है तो अब जीनी के पास कितने स्टिकर्स हैं? तीन स्टिकर्स हैं। ठीक है, ये समझ दीजिए, एक यूनिट सीथी के पास है और उसके ट्रिपल यानी तीन यूनिट जीनी के पास है। सवाल ये है कि हाउ मेनी स्टिकर्स डिड जीनी हैव इन द एंड। तो अब आप ये बता दीजिए कि ये जो तीन यूनिट्स जीनी के पास हैं ये एक्चुअली कितने स्टिकर्स हैं, इसको हम इस मॉडल के जरिए समझते हैं। तो हमारे पास इनिशियली सीथी और जीनी के पास इक्वल नंबर ऑफ स्टिकर्स थे। ठीक है, इसमें से सीथी ने 55 दे दिए और जीनी ने 15 फेंक दिए। उसके बाद जो नंबर ऑफ अमाउंट बच रहा है वो सीथी के पास जो है उसका ट्रिपल जीनी के पास है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास जो 55 है वो बराबर है 15 प्लस 2 यूनिट्स के। ठीक है, क्योंकि दोनों के पास एक एक यूनिट ये अगर निकाल भी दें तो ये जो 55 एग्जैक्टली है ये बराबर हो रहा है 2 यूनिट्स प्लस 15 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो यूनिट्स जो हैं वो बराबर हैं 55 माइनस 15 के। यानी कि अगर मैं ये दो यूनिट्स पता लगाना चाहूं तो मैं टोटल 55 में से 15 को अगर निकाल दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि दो यूनिट्स किसके बराबर हैं, कितने स्टिकर्स के। तो वो मुझे पता चल रहा है कि दो यूनिट्स बराबर हैं 40 स्टिकर्स के। 55 माइनस 15 40 स्टिकर्स के बराबर हैं ये दो यूनिट्स। तो एक यूनिट किसके बराबर होगा? 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट बराबर है 20 स्टिकर्स के। और जब एक यूनिट पता चल गया तो जीनी के पास कितने यूनिट्स बचे थे 15 फेंक देने के बाद? तीन यूनिट्स बचे थे। एक यूनिट बराबर है 20 स्टिकर्स के, तो तीन यूनिट्स बराबर होंगे 60 स्टिकर्स के। तो दिस इज द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ स्टिकर्स दैट जीनी हैव लेफ्ट। तो यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।